अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ओनली फूडी। कैसे हो यार? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओनली फूडी। तो आज हम आए हैं इफ्तार करने के लिए। और हमारे 10-12 दिन 13 रोजे गुजर चुके हुए हैं और इस वक्त काफ़ी अच्छा हो गया था, हमने कोई बाहर की आउटिंग शॉपिंग नहीं की हुई थी। सो बूफे सीरीज जो है वो अब स्टार्ट होने वाली है रमज़ान की, क्योंकि पहले बातें भी चल रही होती है और रोज़ों के अंदर कोशिश होती है घर के जो रोज़े हैं ना वो घर पर पहले हम करें। तो इस वक्त हमने सबसे बेस्ट जो लोकेशन फाइंड की है ना वो हमने किया लाइव जो है हॉट एंड स्पाइसी की। इनका मोस्ट इकोनॉमिकल सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यार ये बारबेक्यू एक्सपर्ट है प्लस हॉट एंड स्पाइसी का यार इनकी नंबर ऑफ सीरीज ये देखो यार पूरी की पूरी जो है इनकी चल रही है और सबसे इकोनॉमिकल है। जरार शहीद रोड के ऊपर ये मौजूद है, पार्किंग देखो यार ज़बरदस्त इसकी पार्किंग स्पेस है। प्लस अगर आप जाते हो बल्कि आते हो गुलबर्ग वगैरह साइड से तो बड़े आराम से आप कवर कर लोगे। तो पीएफ मार्केट से आगे रेंजर हेडक्वार्टर क्रॉस करते हैं, साथ ही 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर ये आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। सो बूफे इस वक्त लाइव जो है वो स्टार्ट हो गया हुआ है। यार मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊं यार, मैं तो सोच रहा हूँ नीचे बूफे की जगह यहीं से लाइव इस वक्त ले लिया जाए। ओए होए 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 होए, टिक्का लगा हुआ है, कबाब लगा हुआ है ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त चल रहा है, मलाई बोटी है इनकी। सो अब हम नीचे चलते हैं और बूफे आपको दिखाते हैं अफ्तारी के बाद का। सर अभी अफ्तारी होने वाली है और माशाल्लाह अभी ये है कि यार अफ्तारी के लिए मैंने फूड ट्रक ली है जो ट्रेडिशनल है, साथ में जामेश्वरी लस्सी, जामेश्वरी जो है वो हम करेंगे। ये मेहरबानी ज़बरदस्त सूर्य जी, खजूरें भी आ गई हैं जी, गुड। तो बाकी ये है कि ये देखो माशाल्लाह भरा भी हुआ है, टाइम नो अच्छी बात नहीं है, ये भरा हुआ है माशाल्लाह, पूरी बेसन जो है इनकी भरी है पूरा, ये अभी जो है इस वक्त कम्प्लीटली भरा हुआ है और पूरा एंड तक इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई और जगह इनकी है। हाँ यस, यहाँ पे कोई 8 लोगों की जगह रहेगी, बाकी सारा ओवरऑल भर गया है। क्या है आपके पसंद? अच्छा विंग कैसा है? विंग जो है अच्छा है। अच्छे है? और ये स्ट्रिप्स जो है ये नॉर्मल है। लेकिन ये चिकन स्ट्रिप्स हैं कि पोटैटो स्ट्रिप है? चिकन है। मैं फिर ट्राई करता हूँ आपने कैसे के साथ, वो पोटैटो स्टिक है एंड स्वीडिश आप ट्राई करें। एंड व्हाट यू आर हैविंग? वाओ ग्रेट। और साथ में है जामेश्वरी का जग प्लस वेरी नीट एंड वाह चिल्ड है भाई चिल्ड है। ठीक है चलो बाकी अभी हम आगे ट्राई करते हैं अभी रोज़ा खुलने के बाद। तो अभी ये है कि यार मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा है कि इधर फैमिली के लिए भी उन्होंने बड़ा सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ है। सो उन्होंने वॉल्स की हुई है सेपरेट सेक्शन के लिए ताकि फैमिली जहाँ पे बैठना चाहे वहाँ पे फैमिली भी बैठ सकती है। सो ये देखो फैमिली सेक्शन है, उनका पीछे वॉल है और वॉल से आप पीछे अगर बैठना चाहते हो तो उधर भी आप कवर कर सकते हो उधर बैठ। क्या सच में बहुत मजे किया भाई, मजा हो गया है तुम्हारा खाए तो करें। फोर मिनट मांग रही बस बस। ओह हाँ हाँ, सो क्या बात है क्या बात, थैंक यू बॉस। नो 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 नो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये या तो हियर वी गो, क्या रिफ्रेशिंग है ना, आप तो गोलगप्पे खा के आप क्या बताओगे। इस वक्त क्या क्या है जी, टिक्का बोटी है, मलाई बोटी है, कबाब है और ज़बरदस्त कबाब चल रहे हैं, फिर टिक्का है, चाइनीज़ है, चाइनीज़ अगेन, अल्फ्रेडो पास्ता, लज़ानिया, वाइट चिकन चिली। सो अब हम करते हैं मेन्यू को स्टार्ट। हाँ सो निदा ने लिया है, बहुत फ्रेश है।
अच्छा, अभी बाकी चीजें मैंने ट्राई करनी है। पिज्जा है, पराठा रोल है, कबाब पराठा रोल है, मलाई बोटी है, ग्रेवी तुमने ली है? अभी मैंने ग्रेवी नहीं ली, सो मैं ड्राई जो है वो ट्राई करूंगा। करते हैं स्टार्ट मलाई बोटी से, वन ऑफ द फेवरेट, वेरी यमी, वेरी टेस्टी, इट्स अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी जूसी। टिक्का बोटी ट्राई करते हैं, वेरी रिफ्रेशिंग, बिल्कुल फ्रेश है यार अभी, मतलब बूफे में अमूमन फ्रेश इतना नहीं होता, कबाब भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर अल्फ्रेडो पास्ता जो है, साथ में मैंने लज़ानिया लिया है, थोड़ा सा चाइनीज़ राइस लिए, अगेन बारबेक्यू जो है, टिक्का बारबेक्यू जो है वो लिया है, और एक सॉरी मलाई बोटी एंड टिक्का बारबेक्यू। सो इसके बाद ये ट्राई मारते हैं, हम ट्राई करते हैं लज़ानिया, वो राइस साथ में मिक्स हो गया, बट वेरी चीज़ी, वेरी चीज़ी, बहुत अच्छा है, अल्फ्रेडो पास्ता बहुत अच्छे जी। बारबेक्यू उनका हम नॉर्मली घर में भी मंगवा के ट्राई करते हैं, बहुत ज़बरदस्त होता है, और सेम वही टेस्ट है इनका बफे का, टू गुड। और ये इनके चिकन गोला के बाद बहुत मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट और जूसी, सीरियसली टू गुड। चिकन टका टक, चिकन कढ़ाई, गोला कबाब कढ़ाई, लेकिन ये मैं अभी नहीं लूँगा। अच्छा जी, वाइट पास्ता नहीं, हाँ ये जी पालक पनीर, पालक पनीर, पनीर है जी, पनीर है, पनीर है, पालक पनीर, फेवरेट बिरयानी, थोड़ी सी हम बिरयानी भी ले लेते हैं। गोला कबाब और पिज़्ज़ा भी मौजूद है, पिज़्ज़े की तारीफ बहुत सुनी है, बट मैं अफ्तारी पिज़्ज़ा नहीं खाता बस। और फिर लेंगे हम कलवंजी नान, अगर इसको आप इसके साथ लगा के खाएं ना, ओए 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 यार क्या बात है, फ्राइज इतने फ्रेश हैं, बहुत फ्रेश हैं, और इस नान के साथ अब करते हैं हम सबसे पहले ट्राई पालक पनीर, पनीर भी जी अंदर लगा दिया मैंने। सो गुड, सो यम, बहुत रिफ्रेशिंग जी, पनीर की शक्ल दिखाई, पनीर की शक्ल जी, पनीर इसके अंदर, हाँ इसमें पनीर है जी यार। अब हो गई है बस, अब श्री देश की बारी, सो हेज आइसिंग पॉइंट। अभी मेरे लिए चॉकलेट शेप ख़त्म हो गई है, पिस्तैशी हूँ मैं, पिस्तैशी लूँगा। अच्छा, इसको डालने का तरीका है भाई ये है, और ये वाली, हाँ हाँ थोड़ी सी, ये थोड़ी ज़्यादा आ गई, ओ हाँ वाह वाह। कुल्फा लिया था तुमने? कुल्फा कौन सा था? कुल्फा ये नहीं, ये वनीला है। तुमने कौन सा लिया था? लास्ट वाला पिस्तैशियो, ये मेरा हो गया। अच्छा, ये वनीला चाहिए? नहीं ठीक है, फिर ये पिस्तैशियो नहीं, नहीं। अच्छा ये थोड़ा सा डाल दो, ओए 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 नसीब की भाई, बूफे टाइम ख़त्म हो गया, नसीब की चीज़ है ब्राउनी लास्ट बच गई है, तो इसके ऊपर हम डालेंगे लास्ट ब्राउनी। वाह वाह भाई, मेरा ट्रैफल शॉपल करने का कोई दिल नहीं है, और स्वीडिश भी हैं, आलू बुखारे की चटनी बट हमने ली, फिरनी भी थी, फिरनी ख़त्म हो चुकी भी है, बाकी पेस्ट्रीज हैं, सो ये बाद में करते हैं, अभी हम इसको, हाँ 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 हाँ
भाई सुकून बड़ा मिल गया, बेगम सुकून बड़ा ले आइए। बड़े आशीर्वाद आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो अगर हम निकल पड़े हैं घर की तरफ, सो 6 बजे से 8 बजे का टाइम है। एक तो जिसे कह लो आप लोग सबसे सस्ती अफतारी, नो डाउट। अगर आप दोस्त यार जाते हो, बारबी शारबी इंजॉय करते हो, देसी खाना चाहते हो, तो फिर तो इट्स अमेजिंग। चाइनीज की तरफ तो हम जा ही नहीं पाए उस तरीके से। निधा तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे भी इनका देसी फूड बहुत अच्छा लगा, और मैंने ना चाइनीज तो ट्राई भी नहीं किया। अल्फ्रेडो पास्ता मैंने ट्राई किया था, कुछ चीजें, क्योंकि आप ना बफे में हर चीज नहीं खा सकते हैं। तो अगर आप हर चीज ट्राई करनी है तो उसका ये है कि आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पोर्शन लें सब चीजों का और वो आप करें ट्राई। लेकिन देसी में लाजवाब है ये, इनका कोई जवाब नहीं। हर चीज बहुत अच्छी थी, ग्रेवी से लेके बारबेक्यू, एवरीथिंग वाज टू गुड। और इनका वो पास्ता अल्फ्रेडो वो भी बहुत अच्छा। मुझे जो सबसे दो चीजें जो हैं वो सबसे ज्यादा कंसर्न लगी, एक ये कि खासतौर पर बूफे के ऊपर जो टैग नेम है वो लाजमी मेंशन करना चाहिए कि ये गोला कबाब है, ये मिर्ची कबाब है, ये मलाई बोटी है। तो वो उन्होंने टैग्स नहीं लगाए हुए थे जो कि एक बूफे की बड़ी जरूरत होती है, वो उन्होंने कवर नहीं किया। ऑल दो मैं 10 out of 6 जो है या 10 out of 6.5 जो है वो दूंगा फूड एम्बियंस वगैरह सबको देखते हुए। तुम 10 out of 7? अच्छा ठीक है। बच्चे सो गए हैं, बच्चों ने जो है वो अपनी स्वीटिश वगैरह बस खाई और उसके बाद टड़ाड़म पम पम। और 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके चार्जेस जो है वो 100% है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। बाकी ये है कि 1600-1700 जो है बुफे है तो इट्स फाइन कि इतने का इस वक्त बुफे मिल भी नहीं रहा आपको मार्केट के अंदर। सो बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। सो अब करते हैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।